लेकिन ऑनलाइन सुन से मेरी आवाज ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सलवार रिवाइज करना जरा। साथ वाले को जरा कल वाला सुना दें और उससे पहले सुना दें फिर सुने। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स? साथ वाले को बोलते हुए गौर से देखें। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल? मतलब ये कुछ जरूरी तो नहीं मैं आगे वही एंट्री पूछूं जो लिखी हुई है। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट या कैश अगर रिसीव हो रहे कस्टमर से, अगर अलाउंस में इंक्रीज आ जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इंक्रीज आ जाए तो बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और अगर डिक्रीज आ जाए पहले जरा क्वेश्चन नंबर थ्री करना, जरा पेज नंबर 54 ढूंढना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें जरा। मिस्टर आफ्ताब के नाम से क्वेश्चन है पेज नंबर 54 के एंड पे। जानले स्टूडेंट्स बड़े इकट्ठे हो गए। मिस्टर आफ्ताब कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015। प्लीज सीरियसली सभी चीजें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हिज बिजनेस ईयर टू 31st दिसंबर। पहला ईयर कौन सा एंड हो रहा है? 31st दिसंबर 15, फिर 16 और 17 का डाटा है। पहला साल कौन सा है? 2015। ब्रॉड डाउन नहीं होंगे। सेल क्रेडिट पे है, एंट्रीज बोलना शुरू करा। कैश रिसीव्ड की एंट्री, डेटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, दोबारा बोल दें, सही नहीं बोला। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अगर वर्ड्स लिखे हैं ये आप लोगों के लिए नए हैं, ब्रैकेट खोलें इनके साथ। एक्चुअल बैड डेट्स का बेटा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं, मतलब आप कह लें कि इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। एक्चुअल बैड डेट्स के लिए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी लफ्ज है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है अकाउंटिंग में एक लफ्ज है, बुक से निकाल देना, सॉर्ट ऑफ एंट्री करके बुक से निकाल देना। एक्चुअल बैड डेट्स की वर्ड है, जिस वक्त एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं तो फिर डेटर्स को क्रेडिट करके बुक से खत्म कर दिया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड यूज होता है रिटर्न ऑफ। क्या चीज राइट ऑफ कर दें? बैड डेट्स राइट ऑफ कर दें तो सिंपली इससे इन वर्ड्स को देख के क्या एंट्रीज इनमें आया करेगी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, एक्चुअल बैड डेट्स वाली एंट्री बस इनमें, ठीक है? तो सिंपली एक वर्ड है जिसे जरा याद रखना। देन फिर आगे लिखा हुआ है प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एक वर्ड प्रोविजन भी यूज हो जाता है असल में, कुछ पुराने नए वर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आया जरा, एक वहां वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ हाईलाइट करना, ये जहाँ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ था, पॉइंट टू रिमेम्बर एक लिखा हुआ। ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं कल से अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं, ठीक है? तो पेंडिस की तरह चीजें आपने याद करने की कोशिश करनी है। मतलब व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इंक्रीज इन अलाउंस? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन इसको अगर मैं इस तरह बोलूं बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, तो ये एक ही बात है। हम ठीक है अलाउंस वर्ड यूज कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड आ जाए तो हम सिंपली क्या ध्यान में लाएंगे कि ये अलाउंस ही की बात हो रही है। तो इंटरचेंजेबली वर्ड्स अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना,
ये अलाउंस के लिए वर्ड है या बैड डेट्स के लिए वर्ड है, ये भी क्लियर रखना जरा, पढ़े जरा सेंटेंस दोबारा। बैड डेट्स के लिए वर्ड नहीं है, बैड डेट्स जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हमारा ध्यान एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, और जब अलाउंस की बात कर रहे होते हैं तो फिर डेटर्स में से इसमें लेस होना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाकर। तो अगर मैं कभी कहूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो अलाउंस की बात कर रहा हूँ, और इन अदर वर्ड्स इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ने डेटर्स में से लेस होना, ठीक है? सही है सर? जिस तरह शायद एक पीछे मेरा ख्याल रिवाइज ही कर लें, ये जरा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाए, जरा क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे वहां जाकर, डिस्पोजल जब स्टार्ट हुई थी, पेज नंबर अगर काइंडली बता दो, पेज नंबर 38 समथिंग, शायद 37, इसके नीचे एक नोट पड़े जरा, इस क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे, यहाँ भी शायद एक लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिस तरह लफ्स था ना, ये किसके लिए वर्ड था, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड था। तो इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाता है। डन है? डन है सर? आ जाए वापस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने ढूंढनी चीजें, यकीन माने मैं बड़ी कोशिश करता हूँ रोज के आप लोगों को देख के, मोटिवेशन मेरे अंदर भी है, लेकिन जिस तरह की मोटिवेशन आपको देख के मेरे अंदर आ रही है, लग ये रहा है कि 2 महीने छुट्टियां मैं भी कर लूँ। तो प्लीज बेटा जो आ गए हजरात, आप लोग तो हिम्मत करें यार, सर अब तो आ ही गए क्या करें, अब तो आप लोग यहाँ बैठे बैठे तो महसूस ना करें कि छुट्टी है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इंक्रीज इन अलाउंस, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिक्रीज इन अलाउंस, गुड एफर्ट सर, अच्छी कोशिश की। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेड, आगे परसेंटेजेस दी हुई, तो ये परसेंटेजेस जो मैं कल से यूज कर रहा हूँ ये आपने खुद नहीं सोचनी, ये एग्जामिनर बताएगा, बस आपने इसे यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, डेटा से मल्टीप्लाई होना सिंपली से, रिक्वायरमेंट में आ जाओ, राइट अप द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स, क्या क्या बनाना है, ट्रेड डेटर अकाउंट, सिंपली डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट मीन्स अलाउंस अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट मीन्स बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, नहीं नहीं बेटा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी तो होना ना बैड डेट्स। फिर नंबर 4, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपली मतलब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाना है, इधर वर्ड और लिख लेना साहब, कि हमने बताना ये कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी अमाउंट्स ने चार्ज होना, तो इनकम्स और एक्सपेंसेस जो इस डेटा से प्रॉफिट एंड लॉस में जानने हैं उसको फिर हम प्रेजेंट कर देंगे, जरा एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे, लिखना जरा ब्रैकेट में वर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें जाती हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस, तो ये एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूँ फिर आपके जहन में जरा चीजें कुछ रिफ्रेश करता हूँ, और फाइनली जरा लास्ट नंबर 5 पढ़ना, बैलेंस शीट एक वर्ड है, इसका एक अल्टरनेट पुराना नाम है, लिखे जरा साथ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं फॉर 3 ईयर्स, 15, 16 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। जी बेटा, एक्सपेंस बढ़े तब भी इसने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होना है, और एक्सपेंस अगर कम हो तब भी इसने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होना, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उन्होंने कहाँ प्रेजेंट होना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? तो मैं सब कुछ दिखाता हूँ, स्टार्ट करें, 3 लेजर बनाने हैं, जरा 3 सालों के हैं तो मेरा ख्याल है, नहीं वो 2 तो आमने सामने बन जाएंगे मेरा ख्याल, लेकिन हाफ से ज्यादा पेज छोड़ दें, लेकिन नीचे फिर बैड डेट्स का अलग बना लें, एक पेज यूज कर लें लेकिन 2 आमने सामने खोलना, और हाफ पेज से ज्यादा थोड़ा सा रख लीजिएगा 3 ईयर्स के लिए, फिर एंड में बना लें बैड डेट्स। पहले 3 लेजर्स बना लें, वो फिर जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है 4th एंड 5th वो फिर अलग सॉल्व करते हैं, करवाना है सर कांडी,
अलाउंस के लिए जरा काइंडली वही वर्ड लिख लें जो क्वेश्चन में लिखे हुए प्रोविजन वाले, ताकि जरा थोड़ा सा लिख के बोल के एक दफा इससे भी वर्ड से भी यूज हो जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेहतर ये कि एग्जामिनर वाले वर्ड यूज कर लें, लेकिन बहरहाल अगर अलाउंस यूज कर लेंगे तो गलत नहीं है। तो मैं जानबूझ के इसलिए लिखा है कि जरा थोड़ा सा एक दफा हाथ से लिख के भी और बोल के भी जरा जेहन में सेट हो जाए। तो सिंपली जो एग्जामिनर वर्ड यूज कर रहा है वही कर लें ताकि जरा यूज हो जाए, वरना है ही अलाउंस ही। ठीक है, जी सर बन गया ना जी, करवाएं जी स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, 15 करें, 16 करें या 17 करें, सीक्वेंस में चलें तो 15 से शुरू करें, ब्रॉड डाउन ऑफ 15 होना है। बाय, पहला साल है, बात खत्म हो गई। कहां कहां ब्रॉड डाउन हो सकता था, किस किस लेजर में हो सकता था, डेटर्स में और अलाउंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बैड डेट्स में भी हो सकता है। बैड डेट्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा सर, तो उसका तो ब्रॉड डाउन ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी, फर्स्ट ईयर है, दोनों के हो सकते थे लेकिन फर्स्ट ईयर होने की वजह से ब्रॉड डाउन नहीं है। चलो आप ट्रांजेक्शन ढूंढे 15 की, पोस्टिंग्स करते जाए, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बोला क्या सर, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, नेक्स्ट वन 15 करेंगे पहले, पूरा 15 पहले पूरा करेंगे, बाद में 16 17 नेक्स्ट ईयर में जाके करेंगे। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, डन सर। आगे सर, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किसे कहते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स को कहते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री क्या करते हैं, ये कहीं जरा एक मिनट बोर्ड पर देखें, पहले दोबारा एंट्री बोले, अब बैड डेट्स का लेजर भी बना रहे हैं हम, तो क्या बैड डेट्स डेबिट बैड डेट्स के अकाउंट में फिगर आएगी सर, किस साइड पे सर जी, किस साइड पे यार, बैड डेट्स डेबिट डेबिट साइड पे, रेफरेंस क्या आएगा, डेटर्स और डेटर के लेजर में फिगर आएगी, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बाय द रेफरेंस ऑफ बैड डेट्स। तब सेल का, कैश का, डिस्काउंट अलाउड का लेजर तो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो जो लेजर्स रिक्वायर्ड है उनमें फिर पोस्टिंग साथ साथ ही होनी चाहिए, तो बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, समझ आ गई प्लीज। तो बैड डेट्स में भी काइंडली डेबिट लिखें, एनी कंफ्यूजन, आगे चलें और 15 में कुछ। अब अलाउंस का रेट दिया हुआ है, ठीक है, अलाउंस का रेट किससे मल्टीप्लाई करूं, अब सबसे पहले कौन सा लेजर बैलेंस करेंगे हम, डेटर्स का, ताकि पहले इसका सीडी आ जाए, फिर रेट लगाएंगे, अलाउंस का लेजर फाइनल करेंगे, फिर देखेंगे कोई फर्दर बैड डेट्स अलाउंस वाले लेजर में बनते हैं या नहीं। तो सबसे पहले कौन सा लेजर बैलेंस होगा, डेटर्स करें बैलेंस, ये रेट मल्टीप्लाई होना है क्लोजिंग बैलेंस से, तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें, फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड,
किया करें, प्लीज किया करें, कैलकुलेटर यूज करें, भाई को दे दें, भाई भी यूज करना चाह रहा है। अच्छा उसका ही है। अगर आपके साथ वाले के पास मोबाइल ना हो तो कभी अपना दिया है? दे सर, मेरे पास नहीं है सर। नहीं है सर मतलब। और अगर कैलकुलेटर आपके पास हो और उसके पास भी हो तो फिर भी अपना पकड़ा देते हैं। ये भी ले ले यार, प्लीज यार ले ले। नहीं आप चाहते ना सर भाई पढ़े, तो मोबाइल आप इसलिए नहीं देते क्योंकि ऐसी गलत तरफ चला जाएगा। जी सर क्लोजिंग आ गया सर, अब लिखना रोक दें प्लीज। क्लोजिंग अगर आ जाए तो फिर क्या करना है, कल वाला मेरे साथ पहले रिवाइज करना है। 1 मिनट जैसे मैं, एक छोटा सा प्रोसीजर है बस, काइंडली दोबारा एक दफा देख लें। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर शायद खुद करने चाहिए आपको। कैलकुलेटर उठा लो, 55,100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अलाउंस विच इज 5% इन दिस केस, ये फिगर आ गई 2,725। इसको लिखना कहाँ है, कैसे है, ये सबसे पहले आया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस। पूरा कर लेने दीजिएगा प्लीज मुझे। जब आप क्लोजिंग डेटर्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये मेरा अलाउंस का लेजर कंप्लीट करवाया था, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करवा था जी सर। नहीं 2,755 तो आ गया ना, आप टोटल करवाएं कि नहीं? किस तरह टोटल, आराम से स्टेप वाइज, ऐसा ऐसा किस टाइप, किस तरह पहले लिखो 2,755। अब ऑपोजिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड पे कितना लिखो, अब ब्रॉड डाउन कितना है, नहीं ब्रॉड डाउन कितना है, जीरो। कैरी डाउन कितना है, डिफरेंस किस तरफ लिखो, क्रेडिट साइड पे। अलाउंस को ओपनिंग कितना है, जस्ट अ मिनट, आइस आइस, अलाउंस को ओपनिंग कितना है, जीरो। क्लोजिंग कितना होना चाहिए, तो कितने से अलाउंस बढ़ना है, इतने से ही बढ़ना है, पहले तो कुछ नहीं है। तो अलाउंस अगर बढ़ना है तो डबल एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल रहे हैं, अलाउंस क्रेडिट कर लें, वो डेफिनेटली हमारी अपनी चॉइस है, लिख बन ली है बट। तो बैड डेट्स डेबिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, समझ आ गया सबको, लिखे आप। और बेटा अहमद यूसुफ यार खुदा के लिए कैलकुलेट तो सही कर लें यार। सर सीडी तो 1,51,100 आ रहा है, तो बड़ा ये कैसे आ रहा है यार, ये किस कैलकुलेटर पे हो रहा है यार। कॉल होगी यार सर, कैलकुलेटर पे जीरो दबाएं सर, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर शुरू करें। ये काइंडली फ्रेंड्स में से दरमियान से दो फ्रेंड्स निकले भाईजान, दो बेटा आगे आते काइंडली। हफ्ते बाद मुलाकात हुई है, मेरे लग रहा है कोई ईद ईद मिलन पार्टी हो रही है, काइंडली दोनों भाई उठ के जल्दी से आ गया। नहीं आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, ये दरमियान में से दो आ जाए, दरमियान वाले दो आप दो ही होंगे या चार के दरमियान में कौन दो हो सकते हैं, इतनी साइंस सुना बनाए। अरे अरे कुछ नहीं होता, वापसी भी दोबारा मिल के जाएंगे, मेरे सामने गले मिल के जाइएगा। जी सर ये लेजर बैलेंस करना समझ आ गया सर, 2,755 की पूरी एंट्री दोबारा बोला। बैड डेट्स डेबिट पे आराम से रुके, आराम से रुके, अलाउंस का लेजर तो क्रेडिट हो गया हुआ, अब बैड डेट्स के लेजर की तरफ आए जरा, क्या ये 2,755 बैड डेट्स अकाउंट में भी डेबिट नजर आएगा, इसका क्या रेफरेंस होगा, प्रोविजन या अलाउंस जो भी आपने लिखा। ठीक है तो बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, कल बैड डेट्स अकाउंट नहीं बना रहे थे हम, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें फिर इसकी डेबिट अमाउंट जाएगी। बैड डेट्स का लेजर देखें डेबिट साइड पे, ये दोनों अमाउंट्स डेबिट हुई हुई है, 2,200 भी और 2,755 भी, दोनों में लेकिन फर्क क्या है, कोई है फर्क, नहीं रेफरेंस का जो फर्क है वो क्या है। हाँ जी वो एक्चुअल बैड डेट्स है और ये भी एस्टिमेटेड बैड डेट्स है जो इमीडिएटली रिकॉर्ड हुआ By using the prudence concept. ये दोनों एक्सपेंस फॉर द ईयर है, डिफरेंस इनमें क्या है कि 2,200 एक्चुअल हो गया है, लेकिन हमारा अंदाजा ये कहता है कि 2,755 भी एक्सपेंस हो जाना है,
जो हमने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया है, विच मीन्स टू से अब फाइनली जरा बैड डेट्स का लेजर फाइनल करें। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ बैड डेट्स फॉर द ईयर? 4955 4955। और सीडी बैलेंस डेबिट बैलेंस बन जाएगा इसमें 4955। लेकिन क्या ये सीडी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल वर्ड आएगा? ये किन लेजर्स में आता है? जिन लेजर्स की अमाउंट्स ने मींस इनकम एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट एंड लॉस में जा, अपने जेहन में जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लाए, जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जेहन में लाए जरा, उसमें आपको कितने आप टोटल बैड डेट्स नजर आ रहे होंगे? 4955 नजर आ रहा हूँ। एक्सपेंसेस में ऐड हो रही होगी, अमाउंट ऐड हो रही होगी, लेस हो रही होगी। तो फाइनली व्हाट इज द बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर? 4955 विच ऑब्वियसली इज द सम ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स एज वेल एज एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ठीक है, अब मैं यहां तक कैसे आया, लेट्स रिवाइज जरा एक मिनट। सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस आता है सर, फिर उसकी बेस पे रेट मल्टीप्लाई करके अलाउंस का क्लोजिंग आता है, फिर अलाउंस का लेजर बैलेंस करके एस्टिमेटेड बैड डेट्स निकलते हैं, और फाइनली वो जो बैड डेट्स है इकट्ठे होके फिर टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाता है। तो ये तीन लेजर्स में से सबसे पहला लेजर कौन सा बैलेंस करते हैं? डेटर्स का, फिर कौन सा? प्रोविजन या अलाउंस का, और फिर फाइनली बैड डेट्स। डन है प्लीज, याद रहेगा? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर। जाने स्टूडेंट्स बड़े क्लियर उठाएं जी ब्रॉड डाउन, जहां जहां उठाना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ब्रॉड एंड आर 55,100, ब्रॉड डाउन अलाउंसेस 2755, ब्रॉड डाउन बैड डेट्स आर ईयर वाइज कैलकुलेट होंगे, ईयर वाइज नो ब्रॉड डाउन। डन है सर? ट्रांजेक्शन पोस्ट करें 2016 वाली, अभी खुद से करें, कहीं सीडी तक पहुंचा 16 की ट्रांजेक्शन ढूंढें, डबल एंट्रीज बोलें, अपने आप को सुनाए, लेजर्स में पोस्ट करें जहां जानी। बेटा ये किसान कमीशन बना लेते हो यार, खुद अगले गरीब को बैठ जाने दे, या पहले ही खतरा आ जा बेटा, आ गया तो भी इतने अरसे बाद मिला है। जी सर 4900 की पूरी डबल एंट्री नजर आएगी, आप बैड डेट अकाउंट में भी डेबिट नजर आएगा। हो गई पोस्टिंग बैड डेट अकाउंट में 4900 डेबिट लिखिए।
4900 बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है, करें जी सीडी कल 57800। ये खुद से कंप्लीट करेंगे जरा यार, ये वाला साल करें जरा कंप्लीट, अलाउंस बैड डेट सब कुछ फाइनल करें, डेट ढूंढना। जी 7925, ठीक है जी, करें करें अपना फाइनल करें, मैं फिर मेरा मेरा बाद में देखिएगा, फिर अपना कंप्लीट कर लेंगे, गलती से ना डरा करें। एक मिनट, जी सर अलाउंस अकाउंट बना लिया, किस तरफ कितना डिफरेंस सर, क्रेडिट साइड पे कितना 3025, इंक्रीज इन अलाउंस है डिक्रीज इन है, ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है, कितने से बढ़ाना है सर, डबल एंट्री बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर बैड्स क्रेडिट, थ्री जीरो टू फाइव, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर है, ये फाइनल स्टेप प्लस कर लें दोनों, दोनों अमाउंट्स डेबिट ही हो रही है 7925। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस ऑफ बैड डेट्स इन द ईयर 2016, 7925, जो फिर इस साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा जाना चाहिए, एनी कंफ्यूजन, लास्ट ईयर करें जी जरा खुद से, लास्ट ईयर में एक चेंज आना है लेकिन वो चेंज कर कल डिस्कस हो गया हुआ है, तो कोशिश करके देख लें, कोई कंफ्यूजन होगी फिर मैं लिखता हूँ, ट्राई करें प्लीज सर। जी फ्रेंड थर्ड ईयर, मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा कि किसी दिन मैंने अकेले ही आना है, मुझे जरा बता दीजिएगा काइंडली यार, किसी दिन आपका मूड ना हो क्लास लेने का सबका ही, तो मुझे जरा एक दिन पहले बता देंगे, लगता है हालात यहाँ तक पहुँच गए, मंडे कौन सा, ये भी प्रॉब्लम है, नहीं ये तो आपसे पूछ के नहीं बेटा करने में, ये तो आपको इंशाल्लाह पता लग पता जाना, जरा कर लें या उधर मजे, मेरा ख्याल है कि मैं आपकी तरफ देखे बगैर पढ़ाया करूं, हर तरफ से मायूसी नजर आती, जो बैठे हैं वो भी महसूस करें फंस गए,
ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ सही पढ़ते हैं, जब मर्जी क्लास रख लें, एक्टिव हो। ये काइंडली वाइंड अप करें सर, मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ, आप लोग वाइंड अप करें प्लीज। जी अब्दुल रहमान साहब ठीक है, अब्दुल रहमान मुश्ताक साहब जी, द स्टेटमेंट जी। एक मिनट जस्ट, मिनट, क्लोजिंग अलाउंस, क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस बन गया है 62,700। अब अलाउंस का रेट दिया हुआ है 7.5%, तो क्लोजिंग डेटर्स से रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी बन जाएगा 4703, कर ले राउंड ऑफ करके, तो पॉइंट्स में ना जाए रुपीज में, अगर लिख रहे हैं तो 4703। अब ये जरा रिवर्स चेन बन गई, इसमें ब्रॉड डाउन ज्यादा है, 5780 ब्रॉड डाउन ज्यादा है और कैरिड डाउन कम है, ऐसे ही है सर। तो अब पहले टोटल किस तरफ लिखूं? नहीं नहीं यार, क्रेडिट साइड पे टोटल टोटल, फिर ऑपोजिट साइड मींस डेबिट साइड पे भी 5780। हाँ डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे अलाउंस अकाउंट में बाय रुपीज 1077, तो ये इंक्रीज इन अलाउंस सिचुएशन है या डिक्रीज इन? डबल एंट्री बोले, अलाउंस डेबिट हो चुका है, बैड डेट्स में अब इसे क्रेडिट होना है, ये ठीक है फिगर यहाँ तक 1077। अब बैड डेट अकाउंट में है, जरा बैड डेट अकाउंट में एक्चुअल बैड डेट्स तो आपने लिखे होंगे 2500 डेटर्स के रेफरेंस से। अब ये जो 1077 है ये किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे, इसका रेफरेंस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब इन फिगर्स के यहाँ तक मीन 2500 एक्सपेंस डेबिट होके इंक्रीज हो रहा है और 1077 से एक्सपेंस क्रेडिट होकर डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द नेट एक्सपेंस? ठीक है, तो ये अब नेट एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, दोनों फिगर्स ऐड नहीं हो जाएंगी, नेट होंगी, तो 2500 2500, और जो अब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जाएगी यहां से, दैट इज 1423। ठीक है, हो गया था कंप्लीट? एनी कंफ्यूजन? कट रहे हो जरा प्लीज,
ओके सर, कोई कंफ्यूजन? अगर कंप्लीट कर लेंगे तो काइंडली बताएं, खास तौर पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर। फिर इधर फोर्थ एंड फिफ्थ रिक्वायरमेंट रहती है। स्टार्ट फिर आगे एंड नेक्स्ट लिखा। अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले प्रॉफिट लॉस बना लें, कैसे बना लें? आए लिखे, मिस्टर आफ्ताब ओनर का नाम है, जो इस डेटा में इंफॉर्मेशन है बस उसकी बेस पे हमें फिगर सॉल्व करनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, हर साल की सेपरेटली बनेगी। इकट्ठे हो गए जी सर, काइंडली क्वेश्चन का डाटा देखें, बाद में लिखिएगा आप लोग, पहले जरा प्रेजेंटेशन देखने कैसे करनी है। इस पूरे सवाल में से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आनी है? ये बड़ा कंपैरेटिव भी बनता है, लेकिन जब बनाएंगे इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। अभी कंपैरेटिव मेरे ख्याल आप लोगों को मैंने नहीं बताया, तो कंपैरेटिव वर्ड की जब जरूरत पड़ेगी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी अलग अलग एग्जामिनर अगर कंपैरेटिव वर्ड यूज करे फिर उसका मीनिंग भी क्या होता है, ये फिर मैं सबके साथ इकट्ठा डिस्कस करूंगा। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या क्या आना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, ऐसा ऐसा सब कुछ, सेल आनी चाहिए, सेल सेल आती है सर, कैश रिसीव, कैश रिसीव क्या चीज है? तो कैश एसेट, इसका ताल्लुक तो इनकम स्टेटमेंट से नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड नहीं, डेटा से ताल्लुक नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए सर, एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ है, लेकिन कैसे प्रेजेंट होना मैं बताता हूँ। बैड डेट्स आएंगे फिर प्रॉफिट लॉस में, अलाउंस भी प्रॉफिट लॉस में आएगा। नहीं सर जी, जाने दे, वो हर चीज का यस हो गया। अलाउंस कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेटर में से लेस होगा, तो डेटर्स और जो अलाउंस है उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। बाकी यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है सेल्स की, डिस्काउंट की और बैड डेट्स की, ये प्रॉफिट लॉस में फिगर्स आनी है। तो कहीं एक पहले पूरा साल देख लें, बाकी तो शायद रिपीट होगा, फिर आप बनाएगा खुद ही। जी 2015 में सेल कितनी है सर? जी सेल कितनी है सर? तो सेल आएगी, ठीक है, और ठीक है सर। लेकिन सर आप इसका जरा एक लिंक बना लें, जरा डिस्काउंट अलाउड ढूंढने जरा इसी साल की। यकीनन सेल कितनी की है हमने? 458,400, लेकिन फिर डिस्काउंट भी अलाउ हुई है ऐसे ही? तो डिस्काउंट अलाउ होने से फिर आपकी सेल जो है उस पर फर्क पड़ेगा सर, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो जिस तरह सेल में से सेल रिटर्न्स लेस करके लिखते हैं, लिखते हैं सर, इसी तरह से अगर कोई डिस्काउंट अलाउड हो तो उसे भी फिर सेल में से लेस करके लिखेंगे, ठीक है? तो उस डिस्काउंट अलाउड को रादर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अलग प्रेजेंट करें। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है बताएंगे, कैसे होती है भी क्या बताया मैंने? सेल में से जिस तरह रिटर्न्स लेस होती हैं, उसी तरह सेल में से फिर डिस्काउंट अलाउड अगर है तो लेस करके लिखेंगे। लेस करके या ऐड करके बताएं, मतलब फिगर्स क्या लिखूं यहाँ? 458,400 - 458,800 आ जाएगी फिगर। एक सेकंड थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा और आगे। सेल के बाद फिर क्या आता है?
कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवाइज कर लेना जरा काइंडली, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज अगर हो तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है देखें जरा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और देयर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स ना होने की वजह से शायद हम ग्रॉस प्रॉफिट भी सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। ग्रॉस प्रॉफिट फिर कैसे आएगा, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो सकेगा। आगे बढ़े, कोई अदर इनकम होती है तो एग्जांपल हो जाए अदर इनकम की, कोई रेंट इनकम कमीशन इनकम, वो भी ऐसी कोई चीज नहीं है। और आगे चलें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिगर आनी हो, कौन सी फिगर के जहन में आती है, बैड डेट्स। 2015 का बैड डेट्स का लेजर देखें, सिर्फ 2200 बट आएंगे या 2200 प्लस 2755 4955 टोटल बैड डेट्स आएंगे, सिर्फ 2200 आएगा या 4955 आएगा, टोटल एक्सपेंस आएगा, टोटल अकाउंटिंग का बैड डेट्स एक्सपेंस 4955। लेजर देखा करें, हमारे लेजर में एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस ऑलरेडी आ रहा ना, तो अब ये फिगर हमने कहाँ ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, तो लेजर में से कौन सी फिगर बैड डेट्स के सामने लिखूं, 4955 एक्सपेंस है, कुछ एक्चुअल बेसिस पे और कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे इमीडिएटली रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस, 4955। तो ये क्योंकि एक्सपेंस के तौर पे इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिए। कैलकुलेटर जरा पकड़े, सेल्स की अमाउंट बताएं नेट, 4160। तो सेल की अमाउंट, इनकम की अमाउंट विदाउट ब्रैकेट और एक्सपेंसेस की अमाउंट विद ब्रैकेट। एक सेकंड लास्ट, एक्सट्रैक्ट जब आप बना रहे होते हैं तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं अकॉर्डिंग टू, बस हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डाटा था वो लिखा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल ना होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया मैंने, और डेफिनेटली फिर अदर एक्सपेंसेस भी टोटल नहीं है, उनमें सिर्फ एक एक्सपेंस है। तो नेट प्रॉफिट जरूर निकाला जाता है, लेकिन वो तभी निकालें आप जब कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, अदरवाइज एक्सट्रैक्ट्स मींस जो बस डेटा है उसको आपने बस प्रेजेंट कर देना है। मेरी बात समझ आ गई प्लीज सबको, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी अगर हम सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज नहीं लिख रहे तो उसमें भी सिर्फ जो रेलिवेंट एरिया होता है वो बना के हम टोटल्स की तरफ नहीं जाते। तो यहाँ भी मैं नेट प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि सारी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ सेल्स की या अदर एक्सपेंसिस की। तो सिंपली एक्सट्रैक्ट्स मींस जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको प्रेजेंट कर दें। क्लियरली बात फॉलो कर ली मेरी, और ऊपर काइंडली ब्रैकेट में जरा एक्सट्रैक्ट्स वर्ड भी लगाया करें। पहले मुझे ये बता दें मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो, अब लिखें फिर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सारी बात समझ आ गई, नहीं पक्का तो सर नहीं है, लेकिन एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पक्का ना भी हो लेकिन एंटीसिपेटेड लॉस हो तो वो इसलिए तो रिवर्स हुआ अभी आगे तक, इसलिए एस्टीमेशन में अगर चेंज आ जाए तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको रिवर्स भी कर लेंगे ऐसे ही। लेकिन ये जेन में इस वक्त नहीं आना चाहिए कि ये जो एस्टीमेशन है इस तरह से नहीं कोई रेंडम ऐसे ही, इस एस्टीमेशन को करते हुए बहुत ज़रा केयर की जाती है, हिस्ट्री भी देखी जाती है बिजनेस की, मार्केट सिचुएशन भी देखी जाती है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये है एस्टिमेट ही। देयर फॉर अगर सारी इस वर्किंग के बावजूद, ठीक है, सारी एफर्ट के बावजूद अगर फ्यूचर में कोई इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होना तो वो फिर हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड तो ज़रूर है लेकिन ऐसा चीज रेंडम नहीं है कि बस जो दिल किया वो रिकॉर्ड कर लिया, पूरी इसमें एस्टिमेशन करते हुए केयर की जाती है, लेकिन इवन देन फ्यूचर डिफरेंट हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो फिर अगर वो डिफरेंट है तो इंक्रीज है या डिक्रीज है वो अकॉर्डिंगली फिर हम उस साल में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड लॉस ही तो है लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बाकी काइंडली जरा 15 लिखने के बाद 16 और 17 की फिगर जरा अपने हाथ से ट्राई कर लेंगे जरा, लेकिन ये दोबारा हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी, ये बनाए जरा 16।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली करें, फिर मैं लिखता हूँ 16 रिवाइज फिगर्स ढूंढें। किसको नेट करना? जब आप जरा मसरूफ थे तो मैं उस वक्त एक चीज बता रहा था शायद, हाँ जी वही पूछ रहा तो, लेकिन वो मैं बता भी रहा था उस वक्त बिजी थे जरा आप। मेरा ख्याल आप सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि जब आप फ्री हुआ करें तो मुझे बता दिया करें, मैं उस वक्त बोलना शुरू किया करूँ। ऐसे आपको बुरा लगता है, एक इंपॉर्टेंट बात चल रही होती बीच में मैं पंगा ले लेता, ऊपर से माइक लगाया हुआ मैंने। मिस्टर आफ्ताब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016, सेल्स 567,600 माइनस 47,300। क्या चीज माइनस की है मैंने? देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, द ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल इज, व्हाट इज अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फॉर दिस ईयर? 7,925 मिल जाएगा सर, समझ आ जाएगी बात। सेल में से जरा माइनस कर दें 520 320 300। एनी कन्फ्यूजन? 17 अगर नहीं भी किया तो स्पेस छोड़ दें, घर जाके कीजिएगा 17। फिलहाल लास्ट रिक्वायरमेंट में आ जाना। सिक्सटीन तक अगर कर लिया है तो 17 घर से कर लेंगे सर, जितनी स्पेस लगी है 16 के लिए इतनी जगह छोड़ दें 17 के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट शुरू करवाएं। नोट कर लिया 16? 16 तक आ गए सारे। एक्सट्रैक्ट की हेडिंग लिखे नेक्स्ट में जरा, मिस्टर आफ्ताब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 December 2015। नहीं बेटा अब ईयर अवेलेबल है एज ऑन फर्स्ट ईयर, अब यहाँ कौन सा एज ऑन 31 December 2015, तो वो कल तो मैं इसलिए लिख रहा था कि ईयर्स नहीं शायद मैं स्पेसिफाई किया था। मिस्टर आफ्ताब स्टेटमेंट ऑफ, हाँ जी बैलेंस शीट इज एन ऑल्टरनेट नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन,
ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31 दिसंबर 16, सॉरी 15, कार्ड सर एक करवा दें, बाद में नेक्स्ट ईयर कीजिएगा। एसेट्स में बेटा कैश जो है ना उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये सब लोग जरा रुके एक मिनट, जरा ये मेरे सामने अभी जो कैश बोला गया ना, कैश वाली जरा एंट्री बोला जरा, ये जो कैश आपको नजर आया ये बेटा ये कैश वाली ट्रांजेक्शन है, जरा कैश का काइंडली लेजर बनाया जरा जिनमें, कैश में यकीन डेबिट होगा लेकिन फिर कैश क्रेडिट भी होता है एक्सपेंसेस में, तो एसेट्स में कौन सा कैश आएगा, जो आया है या जो फाइनली बचा है, सोच ले जरा एक मिनट, जो कैश आया है सिर्फ वो नहीं आएगा, जो एंड में सीडी रहेगा कैश का वो आएगा, तो कैश की फिगर ठीक है हम लिख लेते हैं लेकिन पहले जरा क्लियर कर लें, कैश की हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, कैश का सिर्फ हमें रिसीट पता है, इस साल कैश कहाँ कहाँ गया है और कहाँ कहाँ से आया है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो कैश आया है वो यकीनन एसेट है लेकिन साल के एंड में कौन सा कैश आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, जो बच गया, तो ये बच गया कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ऑफ कैश की इंफॉर्मेशन, तो ठीक है मैं लिख देता हूँ वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कैश को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में साल के एंड पे, तो फिर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल बस यही कैश आया है और गया कहीं नहीं है, तो लिख लेते हैं, लिखने में हर्ज नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जितना कैश आया वो सारा का सारा कैश हमारे पास ईयर एंड पे भी अवेलेबल है, तो कैश का सीडी आना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या कैश का डेबिट आना है, जो लेजर का सीडी होता है वो आना है, और ठीक है अगर कैश सिर्फ आया ही है तो फिर वही सीडी होगा जो बैलेंस शीट में आ जाएगा, लिख लेते हैं, लिख आए जरा लिख लिखवाए कैश कितना, कैश लिखवा दें यार 355 3553 00 3553 00, तो इट इज कैश क्लोजिंग बैलेंस हम इसे अज्यूम कर रहे हैं, ये मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं वो ठीक है सीडी आएगा, मैंने मतलब के पहले पूरी बात क्या की है, मैं क्या ये कैश आया है सर, कैश आया है सर, लेजर बनाया जरा जहन में, किस तरफ आएगी ये फिगर कैश के लेजर में, डेबिट साइड पे, फिर हमें ना किसी और कैश डेबिट की ना किसी और कैश क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है, देयरफॉर यही कैश डेबिट फाइनली सीडी का बन के बैलेंस शीट में आ गया, तो ये मैंने इसलिए यहाँ जरा एम्फसाइज करने के लिए साथ क्लोजिंग बैलेंस लिख दी है, वरना अंडरस्टूड बात है कि जो कैश बच गया है बस अब वो आपका एसेट है, तो ठीक है अगर यही कैश आया और कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये सारा का सारा हमारा एसेट ही है, लिख लें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये भी इंफॉर्मेशन होती कि कैश कहीं इस्तेमाल हुआ है तो फिर हम एक लेजर बना लेते शायद, डेबिट भी लिखते और जहां जहां गया वो क्रेडिट भी लिखते और फाइनली जो सीडी बैलेंस होता है कैश का वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह डेटर अकाउंट देखें जरा, अभी जो आपने डेटर अकाउंट बनाया उस डेटर अकाउंट में से कौन सी फिगर आप लिखवाएंगे मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो डेटर्स रह गए हैं या जो डेटर्स इंक्रीज हुए थे सेल की वजह से, सेल की वजह से इंक्रीज भी हुए थे, डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स और कैश की वजह से डिक्रीज भी हुए हैं, तो फाइनली हम कौन से डेटर्स की फिगर लिखेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है, डन है प्लीज, लिखवाएं डेटर्स कितने आएंगे, लिखवा दें एक साल करवा दिए कितने, 55100 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लिखा मैंने, अब बताएं मैं क्या जेन में लाऊं, लेस क्या ये अलाउंस कह लें या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कह लें, लेकिन ये बता दें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की भी कौन सी फिगर लिखवाएंगे, कौन सी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, काइंडली ये प्लीज जरूर बोलें, सेंटेंस जो बोला नहीं बोल रहे आप, नहीं बोल रहे,
Closing balance of allowance is deducted from closing debtors in statement of financial position. मुझे देख के मुस्कुरा लें लेकिन सेंटेंस जरूर बोल लें। इन दोनों का आपस में नेट करके एक आंसर बताएं। इन दोनों को नेट करके डेटर और अलाउंस 52340 दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स। मेरा ख्याल है इस वक्त प्रेजेंट कर लें, बाकी करते रहेंगे यार, फिलहाल ठीक है ये तो। अभी मेरा ख्याल है एक दफा जो कल बातें हुई एज इट इज कर लें, बाकी ठीक है। डेफिनेटली ब्रैकेट वगैरह में लिख के भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जरा सॉल्व कर लें कि क्या चीज किस में से माइनस हुई है। मेरा ख्याल है लिख के जरा प्रेजेंट कर लें। अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिर ये वाला कैश नहीं आएगा। अगर हम ये अज्यूम करेंगे कुछ कैश कहीं इस्तेमाल भी हुआ होगा तो ऑब्वियसली फिर ये बैलेंस एज इट इज कैश का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा हम ये कह सकते हैं यही कैश आया और कहीं इस्तेमाल होने की नहीं। वो कर लेंगे बातें यार, वो तो जब बड़े होंगे तो हम, बच्चे अभी बच्चे ही हैं, ईद के बाद भी बचपना ही चल रहा है। नहीं सर लिख ले, लिख अभी लिख, अभी लिख ले, अभी अब लिख ले। क्या लिखना कोई गलत तो नहीं है? नहीं कन्फ्यूजन कोई नहीं कर रहा, अगर कर रहा तो दूर करनी है हमने। जो ये कन्फ्यूजन कर रहा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट स्टार्ट। ये क्या कन्फ्यूजन कर रहा है? नहीं मतलब अगर ये कन्फ्यूजन कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त करना चाहिए। किसमें ऐड क्यों नहीं हुआ? किसमें ऐड क्यों नहीं हुआ? ना ये तो जुल्म ना करिए। कैश एक अलग एसेट है, डेटर एक अलग एसेट है। ऑब्वियसली इन सारे एसेट्स ने इकट्ठा होना है और फिर टोटल एसेट्स की फिगर आनी है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वंस अगेन सिर्फ दो एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, कोई और मशीनरी कोई और बिल्डिंग भी होगी जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब एक्सट्रैक्ट्स आप बनाते हैं तो आप बस अपनी फिगर्स प्रेजेंट कर देंगे और टोटल्स के चक्कर में ना मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊँ और ना ही यहाँ। इन स्टेटमेंट्स का टोटल करेंगे लेकिन तब करेंगे जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल होगी। एक्सट्रैक्ट्स जब होते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो उसका मतलब होता है कि जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसने जहां जहां आना बस उसको लिख दें। तो कैश ने एसेट्स में आना है, डेटर्स ने भी एसेट्स में आना है। क्या इन दोनों ने फिर टोटल भी होना है? यकीनन होना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये शायद बिजनेस के सारे एसेट्स नहीं है। कंप्लीट एसेट्स की अगर इंफॉर्मेशन होती तो यकीनन मैं एसेट्स के टोटल में कैश भी लेता और डेटर्स भी लेता। लेकिन ये ना कहेगा कि प्रोविजन को कैश में से लेस होना, प्रोविजन का ताल्लुक सिर्फ किससे? तो अभी प्रोविजन को डेटर्स में से लेस करना है और कैश को जमा करके कैश प्लस डेटर्स अलाउंस लेस नहीं करना। कैश अलग एसेट है और डेटर्स पे अगर कोई डाउट है तो उसका अलाउंस अलग लेस करके उसकी नेट फिगर निकालना। बाकी ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर रखें कि ये 355300 और नीचे ये जो फिगर आ गई डेटर्स की 52345 इन्हें आप प्लस करेंगे जब टोटल एसेट्स की वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब तो नहीं कन्फ्यूजन रही कोई? इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी सारे एसेट्स का सम होना है। मैंने क्यों नहीं लिखा कांडली अगर कोई बताना चाहे, बल्कि बताना तो ना चाहे बता दे, क्योंकि बाकी एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मसल कोई दो तीन बोल देंगे कौन कौन से और एसेट्स हो सकते हैं? लैंड बिल्डिंग मशीनरी वो सब भी एसेट्स हैं, फिर उसके अलावा स्टॉक भी एसेट है, अगर बजे बैंक बैलेंस भी एसेट है वगैरह वगैरह भी एसेट्स हैं। तो हमारे पास जो लिमिटेड सी एक इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट सम से रिक्वायर्ड है। तो जब भी कभी एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड हो लेट मी वंस अगेन क्लियर, तो फिर टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, टोटल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टिल अगर मेरी बात में कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज। जी सर एक और साल बनवाए जी, मिस्टर आफ्ताब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? जी बेटा अब यहाँ एक मिस्टेक का मुझे खतरा है आपसे, इकट्ठे हो जाए जरा।
बताएं एसेट्स में कैश आएगा? तो सर जी कैश आएगा सर, बताएं कितना और कैसे, बताएं चले कितना आएगा? दो हजार सोलह में कितना कैश आया है? सर जी ढूंढ लें यार, प्लीज ढूंढ लें यार। लेकिन क्या कैश का कोई ब्रॉड डाउन भी है इस साल? कैश का ब्रॉड डाउन होगा? कैश का कैरी डाउन लास्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा सर? तो पिछले साल के एंड पे कैश कितना था? 355 300। इस साल और कैश कितना आया? इस साल कहां कहां इस्तेमाल हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा क्या वो ओपनिंग मिला के आएगा? मैंने तो कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें जो होती हैं ये फॉर द ईयर होती हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर ही नहीं है। कैश अगर कभी लफ्ज बोले आपके बोला जाए आपके सामने, तो आपके जेहन में कोई इनकम आएगी या एक्सपेंस आएगा? ना इनकम आएगी ना एक्सपेंस आएगा, एसेट आएगा। तो क्या एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेंगे सर? तो व्हाट इज द ब्रॉड डाउन कैश इन दिस ईयर? 355 300। एंड व्हाट इज द फर्दर कैश डेबिटेड इन दिस ईयर? 512 700। तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ दिस सेकंड ईयर? सॉल्व कर दें जरा। 868 000। ये प्लीज समझ आएगा सबको, प्लस क्यों किया मैंने? क्यों किया बताएं? ओपनिंग आया, फिर फॉर द ईयर आया। अगर कोई इस साल एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन होती कैश में से, तो फिर वो माइनस करके जो सीडी बचता उसने आना था। क्या जो बच गया कैश वो एसेट है, या जो इस्तेमाल हो गया या जो आया था? अगर ईद पे आपको 5000 कैश रिसीव हुआ और 4500 का कैश आपका इस्तेमाल हो गया, तो आज इस वक्त एसेट कितना है? 500। और अगर सारी दी संभाल के रख ली आपने, तो वो ठीक है, वही सीडी है। और अगर माजी से ओवरड्राफ्ट लेके कुछ खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो वो लायबिलिटी होगी सर। ठीक है सर, तो जो कैश बच गया है, जो कैश बच गया है वो एसेट है। ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही है कि यूज कहाँ कहाँ हुआ है, देयरफॉर मैंने एज इट इज सिंपली ऐड कर लिया। एनी कंफ्यूजन? अब डेटर्स की फिगर लिखवा दें, डेटर्स की फिगर लिखवा दें, और प्रोविजन की फिगर खुद ही लिख लें। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन 5780 इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये 5780 डेटर्स का बैलेंस ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ये डेटर का लेजर देखें जरा, डेटर का लेजर प्लीज देखें, प्लीज देखें। ये डेटर के लेजर में ब्रॉड डाउन आ रहा? वो सर जी आ रहा सर, खुद आगे नहीं आ रहा यार, ना करें यार। तो क्या ये 5780 फाइनली डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखा मैंने? ये कैलकुलेट कैसे हुआ? पहले ब्रॉड डाउन लिखा, फिर ये डेबिट हुआ तो ऐड हुआ, फिर डेटर्स में क्रेडिट हुआ लेस होके फाइनली सीडी लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कैश की भी टोटल इंफॉर्मेशन होती, तो शायद हम उसका लेजर बना लेते और फिर वर्किंग करके फाइनल सीडी तक पहुंचते। क्योंकि सिर्फ रिसीट की इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं वो उसे ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन डेटर्स की क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने लेजर प्रॉपर बनाया हुआ है। डन है, बात समझ आ गई? आंसर बताइएगा फाइनली। 0 to 0। चलिए वाइंड अप करना है कैंडी, लास्ट ईयर भी करें, लास्ट ईयर भी करें, और कैश का खुद से फाइनल डिसीजन लेना।
जिन हजरात के दोस्त मिसिंग हैं राइट लेफ्ट चेयर्स पे, आप लोग बेटा जरा ज्यादा ध्यान से पढ़ें, फिर आपने अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है। ऐसे ही है ना सर? नहीं, वो जो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, मुझे सब नजर आ रहा है। 8,68,000 ब्रॉड डाउन बनेगा सर थर्ड ईयर। फर्दर कितना ऐड हो जाएगा? 481,200,13,492,100। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कैश बढ़ता जा रहा है, अपने आप का आफ्ताब ही समझे। डेटर का क्लोजिंग बताएं जी। लेस 4703। नेट अमाउंट फाइंड आउट कर लो। ये बेटा फिगर्स नजर आ रही है लास्ट लाइन में? ये फिगर्स ठीक नजर आ रही है? नहीं, बोर्ड वाली 5,799,7। एक मिनट जरा रिवाइज कर लें चीजें, कोई कंफ्यूजन अगर किसी जगह रह गई है देख लें जरा, पहले वो डिस्कस कर लें। जी सर, एक नया पेज चाहिए अब जरा। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये बेटा लेजर में फिगर आ रही है 2014 के लेजर में, मेरे सामने से लेजर नहीं है बेटा, जरा बीच में मिट गया। जरा बैड डेट्स का लेजर निकालिए, एक जरा क्वेश्चन का आंसर आंसर दे दो। 2017 के बैड डेट्स की फिगर क्या होगी जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी? 1,077 जाएगा जी। ऐसी है? सॉरी, 1,423। 1,423 बेटा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब नेट इफेक्ट जाएगा ना उसका, बैड डेट्स डेबिट क्रेडिट का जो नेट आंसर है फाइनली 1,423 इज द बैड डेट एक्सपेंस ऑफ द 2017। ठीक है, प्लीज क्लियर है? ये 1,077 नहीं होगा, 1,077 नहीं होगा, टोटल एक्सपेंस 1,423 होगा। 1,077 तो नेट हो रहा है एक्सपेंस ऑफ 2,500 में से। ठीक है, जो अमाउंट हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं सीडी के सामने, उसने प्रॉफिट लॉस में जाना। चले सर, ये हेडिंग लिखे जरा कॉन्ट्रा एंट्री। स्पेलिंग सोच के लिखे क्या बन रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री स्टेक्स।
जी एक सेकंड जरा। दुआई करते हैं यार, क्या दुआ कर रहे हैं? चल इसने पढ़ना है सर, इंशाल्लाह। क्या जेन कहता है आपका? सर अभी चलने लगा सर। इधर पड़ा है, सेल पड़ा है, देखिए सर सेल पड़ा है छोटा। ये नीचे जरा कोई टी रूम में से लाएगा कोई तैयब को ढूंढेगी जरा। सॉरी जी आपका टाइम वेस्ट करा दिया, सेकंड बस। मुझे नहीं करना। नसकीन सही चल रही है, इधर उधर हो रही है। वैसे भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है ये भी नीचे जो है वह ये भी सही नहीं है, जो उधर डिस्प्ले नहीं हो रहा। नहीं उधर उनका तो बंद नहीं होगा, क्या करें? जी
जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट का आवाज आ रही है प्लीज। चलो बेटा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हेडिंग अब बन गई है, बस करें बेटा प्लीज, अब तो बातों का भी टाइम मिल गया है। आप फ्रेश हो गए होंगे, आप एक दूसरे से बातें। कॉन्ट्रा एंट्री सर, जी जी बिल्कुल सर, आपकी नेक दुआएं लग गई हैं। जी सर, ये कॉन्ट्रा एंट्री समझने के लिए कांडी जरा बस लिखना रोक दें, जरा एक एग्जांपल सुना था। देखिए सपोज मिस्टर असद है कोई, आपने मिस्टर असद को क्रेडिट पे 50,000 रुपये की चीजें बेची हुई हैं और देयर फॉर मिस्टर असद से 50,000 आपका रिसीवेबल है। बात समझ गए, 50,000 अगर रिसीवेबल है तो बताएं ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? सॉरी, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? 50,000 का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक हो गया यहां तक? 50,000 इज रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। लेकिन बेटा लेट्स अज्यूम मिस्टर असद के और भी बिजनेस है, तो कुछ चीजें आप भी असद से खरीदते हैं, ये हमने क्या किया 50,000? नहीं नहीं ये हमने क्या किया हुआ, चीजें बेची हुई हैं, तो मिस्टर असद हम हमसे कुछ चीजें खरीदते भी हैं और लेट्स अज्यूम हम भी मिस्टर असद से कुछ चीजें अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं, उनके बहुत से बिजनेस हैं लेट्स अज्यूम, तो हमें भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, वो असद के बिजनेस से हम भी खरीदते हैं, तो अगर हम खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते होंगे हम? नहीं बेटा परचेज डेबिट, पहले डेबिट तो कर लेना, परचेज डेबिट, और अगर पैसे हम बाद में देते हैं तो असद क्रेडिटर भी होगा हमारा, और लेट्स अज्यूम 10,000 हमने भी देना है असद को अगेंस्ट परचेजेस, तो क्या ये हमारी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है सर, और अगर लाइबिलिटी है तो फिर ये क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स उसे असद साइमल्टेनियसली हमारा एक डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। यकीनन ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन ये कहना कि ये हो नहीं सकता शायद ये भी गलत हो। सपोज एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं, कुछ चीजें हमने खरीदी हुई हैं और 10,000 देना है और कुछ चीजें हमने बेची हुई हैं और 50,000 लेना है। यहां तक जरा एग्जाम्पल बना लें इसी तरह। ये जो मैंने 50,000 के साथ डेबिट लिखा है और 10,000 के साथ क्रेडिट लिखा है, ये समझ आ गया है? डेबिट मींस क्या है? रिसीवेबल एसेट है, और क्रेडिट मींस क्या है? लायबिलिटी पेएबल। ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक समझ गए बात? अब 50,000 लेना है और 10,000 देना है, एक सिंपल सा वे तो ये हो सकता है कि 50,000 रिसीव कर लें और 10,000 पे कर दें। रिपीट करेंगे क्या बोला मैंने? 50,000 रिसीव कर लें और 10,000 पे कर लें। लेकिन अगर एक ही पर्सन है जिसे रिसीव भी करना है और जिसे पे भी करना है, तो क्या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों बैलेंसेस को आपस में नेट ऑफ कर लें और 40,000 दे दें? क्या ये भी हो सकता है कि इन बैलेंसेस को आपस में नेट ऑफ कर लें और नेट करके सिचुएशन में 40,000 ले लें या दे दें? क्यों ले लें? 50 लेना है 10 देना है, तो नेट ऑफ करके कितना ले लें? 40,000 ले लें। तो ये जो नेट ऑफ होता है, एक डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को आपस में कैंसिल जो किया जाता है, इसे बोला जाता है कॉन्ट्रा। क्या वर्ड बोला मैंने?
तो कॉन्ट्रा सिंपली मीन्स टू एडजस्ट अ डेबिट बैलेंस अगेंस्ट अ क्रेडिट बैलेंस, ये लिखे छोटा एक सेंटेंस रहा। कॉन्ट्रा मीन्स टू एडजस्ट अ डेबिट बैलेंस अगेंस्ट अ क्रेडिट बैलेंस। लेकिन ये जो कॉन्ट्रा है, एडजस्टमेंट हो रही है, ये क्या तब भी हो सकती है अगर किसी और से पैसे लेने हैं और किसी और को देने हैं? ये कॉन्ट्रा सिर्फ कब पॉसिबल होगा? जब किसी एक पर्सन से ही पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं, तो नेट ऑफ करके भी एडजस्टमेंट हो सकती है। एनी कंफ्यूजन यहां तक? एनी एडजस्टमेंट समझ आ गई प्लीज? अब फाइनली एक मैंने एंट्री करनी है, वो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले गौर से देखना आपने। कॉन्ट्रा का बेटा तरीका ही होता है, बोर्ड पे देखना जरा। 50,000 भी और 10,000 भी मैंने कैंसिल कर दिया, लाइन लगा के कैंसिल कर दिया मैंने। क्या ये दोनों बैलेंस जीरो हो गया? नहीं, अभी जीरो कैसे हो गए? क्या 50,000 और 10,000 कैंसिल करके वो जीरो हो गए? 50,000 की जगह कितना बचा? 40,000। 40 डेबिट बच गया। उस 10,000 के अगेंस्ट कितना बचा? जीरो क्रेडिट रह गया। 50,000 का रिसीवेबल 10,000 से कम होके 40,000 रह गया, और 10,000 का पेबल 10,000 रुपए से कम होके जीरो रह गया। ये सेंटेंस रिपीट करेंगे जो मैंने बोला? 50,000 का रिसीवेबल 10,000 से कम होके 40,000 रह गए, 40,000 रह गए, और 40,000 वाला पेबल, सॉरी 10,000 वाला पेबल 10,000 से कम होके जीरो रह गए। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन हमारा वर्ड क्या है? 10,000 इधर भी कम हुआ है और 10,000 उधर भी कम हुआ है। दोबारा देखने को और से, 10,000 से रिसीवेबल भी कम हुआ है और 10,000 से ही पेबल भी कम हुआ है। 40,000 से कम हुआ है यार, 40,000 रह गया है, जीरो से कम हुआ है, जीरो रह गया है। कम कितने कितने से हुए हैं? तो अगर रिसीवेबल 10,000 से कम हो रहा है और पेबल भी 10,000 से कम हो रहा है, तो कोई अकाउंटिंग एंट्री बता सकते हैं इस केस में क्या हो रही है? रिसीवेबल कम होने का मतलब एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी पेबल कम होने का मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और रिसीवेबल कम होगा तो क्रेडिट। तो क्रेडिटर असद डेबिट और डेटर असद क्रेडिट, दोनों तरफ असद। लेकिन इस तरफ असद लायबिलिटी, उस तरफ एसेट। लायबिलिटी डेबिट क्यों हो रही है? कम हो रही है। और डेटर कम क्यों हो रहा है? वो एसेट कम हो रहा है। एसेट भी कम हो रहा है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो क्या बोलते हैं, और एसेट कम हो रहा हो तो रिपीट करने का एंट्री बनी। क्रेडिटर असद डेबिट, डेटर असद क्रेडिट, कितने से? दोनों तरफ 10,000 से। 50,000 10,000 से कम होके कितना रह गया है, और 10,000 वाली लायबिलिटी कम होके कितनी रह गई है? तो ये जो डेबिट क्रेडिट वर्ड्स है किसी जमाने में, बचपन, एक मिनट जरा फाइनली, ऐसी गलत तरफ कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, ये किसी जमाने में मैरोज लगाते थे, मशीनरी बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने को फाइनली हमने क्या कहना शुरू कर दिया? डेबिट हो रही है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज के अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट वर्ड्स है। तो लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, तो 10,000 से डेबिट हो रही है। और एसेट कितने से कम हो रहा है?
वो क्रेडिट हो रहा है। तो लायबिलिटी किस नाम से बना ली मैंने? क्रेडिटर असेट। और एसेट किस नाम से बना लिया? गुड्स बेची थी, गुड्स खरीदी थी। तो डेटर असेट क्रेडिट एंड क्रेडिटर असेट डेबिट। एंट्री फाइनल है सर? देखें इस एंट्री से क्या क्या कितने कितने से कम होगा। इस एंट्री से लायबिलिटी और एसेट 10,000 से कम हो, ठीक है सर? तो इस एंट्री को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक पर्सन साइमल्टेनियसली हमारा डेटर भी हो और क्रेडिटर भी हो तो कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है। एक सेकेंड एग्जाम्पल बनाया जरा। लेट्स अस्यूम को मिसेस दिशान है, जिशान से 5,000 रिसीवेबल है और जिशान को 60,000 पेबल है। जिशान से कितना रिसीवेबल है? 5,000। और पेबल कितना है? अगर ये कॉन्ट्रा हो जाए तो कितना पेबल या रिसीवेबल रिस्पेक्टिवली रह जाएगा? रिसीवेबल जीरो हो जाएगा और पेबल, अब नेट करके पे करना चाहिए रिसीव करना चाहिए? इसे कैंसिल करें सर, लाइन लगाएं। लाइन लगाने से कहां जीरो हो गया? रिसीवेबल कितने से कम हो गया? पेबल कितना रह गया? कितने से कम हो गया? नहीं बेटा, ना ना, इस तरह ना। कितने से कम हुआ? 5,000 से। कितने से कम हुआ? 5,000 से। कितने से, कितने से एसेट और लाइबिलिटी कितने कितने से कम हुई है? कॉन्ट्रा एंट्री बोलने क्या होगी? क्रेडिटर जिशान डेबिट क्यों? लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? 55,000 से नहीं, 55,000 तक हो गई है। कितने से कम हुई है? और डेटर जिशान कितने से कम हुआ है? तो ये से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने से कम हुआ है? कितना कितना रह गया है? जीरो और 55,000 रह गया है। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज है इसके लिए डेबिट क्रेडिट वर्ड्स है। लाइबिलिटी कितने से कम हुई है मींस 5,000 से डेबिट हुई है। एसेट कितने से कम हुआ है मींस एसेट 5,000 से क्रेडिट हुआ। ये फिगर्स ठीक है मेरी प्लीज? जी सर, लग ऐसी रहा तो रट्टा लगाने की तो कोई जरूरत नहीं। क्या एंट्री यही होगी? और लग रहा है ये सेम रहेगी। अभी रट्टे की जरूरत नहीं, पहले लॉजिकली क्लियर कर। क्या एसेट 5,000 से कम हुआ है? क्या लाइबिलिटी भी 5,000 से कम हुई है? अभी एक सेकंड, रटे की भी जरूरत नहीं है, वो एक और एग्जांपल कर लेता मैं। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? देन सपोज मिस्टर नुमान है कोई, नुमान से 30,000 रिसीवेबल है और नुमान को लेट्स अस्यूम 30,000 ही पेएबल है। जी कॉन्ट्रा करें जी। नहीं लाइन लगाए ना यार, लाइन लगाने से कहां और कहां जीरो हो गए? दोनों तरफ जीरो होने का मतलब लायबिलिटी भी और एसेट भी कितने कितने से कम हुए हैं। तब बनाए एंट्री।
क्रेडिटर नुमान डेबिट जीरो, वाई 30,000 डेबिट, व्हाट इज द मीनिंग 30,000 डेबिट, लाइबिलिटी 30,000 से कम हो रही है और रिसीवेबल भी 30,000 से कम हो रहा है, इस केस में नेट देना चाहिए लेना चाहिए, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, क्यों? जितने पैसे लेने थे उतने ही देने थे तो नेट करके जीरो हो गए। एंट्री समझ आ गई, एंट्री समझ आ गई इसे। अब ये मैंने जो तीन एग्जांपल्स लिखी हैं इनमें सिनेरियो तीनों में डिफरेंट था। जरा पहली एंट्री देखें, जरा पहली एंट्री में मैंने रिसीवेबल ज्यादा रखा था, देखें 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 सर, 50,000 ज्यादा था, 10,000 कम था। दूसरी एंट्री में मैंने क्या किया था, पेएबल ज्यादा रखा था। तीसरी एंट्री मैंने क्या किया है, दोनों को सेम रखा है, लेकिन जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि तीनों केसेस में एंट्री सेम है। देखें जरा, तो चाहे रिसीवेबल की अमाउंट ज्यादा हो, चाहे पेएबल की अमाउंट ज्यादा हो, और चाहे दोनों अमाउंट सेम हो, व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री ऑलवेज, क्रेडिटर डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली वो ये है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल एंट्री कितने से की आपने, 10,000 से, 10,000 से की, और 10,000 वो अमाउंट है जो इनमें से लोअर है, 50,000 रिसीवेबल था और 10,000 पेएबल था, तो एंट्री किस अमाउंट से फाइनली हुई जो लोअर अमाउंट है, किस किस में लोअर अमाउंट है, रिसीवेबल और पेएबल में। दूसरा देखें, दूसरे केस में लोअर अमाउंट कौन सी है सर, 5,000, तो एंट्री कितने से हो रही है, और तीसरे में बताएंगे फिर मजा है, तीसरे में लोअर कौन सा है, दोनों ही लोअर भी है, दोनों हायर भी है, तो यहाँ अमाउंट हायर से एंट्री हुई है लोअर से, अगर अमाउंट सेम है फिर रिलेवेंट नहीं बात है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा होगी क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, और अमाउंट हमेशा कौन सी होगी जो लोअर है, अनलेस वो सेम ही हो, अनलेस वो सेम ही हो। इस रट्टे की फाइनली जो मैंने बोला है जरूरत तो नहीं है, पहले आप ये देख लें लॉजिकली क्लियर है कि एंट्री क्यों हो रही है, लेकिन अगर कभी भूल जाए तो कौन सी बात आप याद रख सकते हैं, एक फाइनली इसकी छोटी समरी लिखें जरा, इस बहस की डिस्कशन की समरी। फैसल साहब, अगर आपको कहा जाए कि 50,000 ज्यादा है और 10,000 कम है तो क्या ये बात मान लेंगे, और पहले सिनेरियो में कम अमाउंट मीन्स 10,000 से एंट्री हो रही है, नहीं मानेंगे 50,000 कम ज्यादा है और 10,000 कम है, तो फिर आप हुक्म करें सर 50,000 कम है, 50,000 और 10,000 में से क्या कम है, यकीन है 50,000, तो 10,000 कम है और 10,000 की एंट्री है, 5,000 और 60,000 में कम अमाउंट कौन सी है, 5,000, और देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री 5,000 से है। हाँ, जब अमाउंट सेम हो जाएंगी फिर कम ज्यादा वाली बहस खत्म हो जाएगी, फिर वो उसी अमाउंट से हो जाएगी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ लिखें जरा, कॉन्ट्रा एंट्री ऑलवेज इज, ना करें सर जी ना करें, कॉन्ट्रा एंट्री ऑलवेज इज, बोलें जी, ऑलवेज इज क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री कभी भी वर्ड आ जाए आपके जेहन में क्या एंट्री आएगी, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, क्रेडिटर डेबिट एंड डेटर क्रेडिट, लायबिलिटी भी और एसेट भी दोनों कम हो रहे हैं, और किस अमाउंट से एंट्री होगी, एंट्री विल बी, एंट्री विल बी बाय लोअर अमाउंट अनलेस अमाउंट्स आर सेम, अगर अमाउंट सेम है फिर डेफिनेटली लोअर हायर खत्म हो जाएगा, फिर जो भी अमाउंट है उसी से होगी, एंट्री विल बी बाय लोअर अमाउंट अनलेस क्या हो जाए, अमाउंट सेम हो जाए, ये समझ आ जाएगा। अनलेस क्या मतलब, अनलेस
अगर अमाउंट्स ही सेम हो जाए तो फिर डेफिनेटली लोअर हायर वाली बहस खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मैंने एंड में लिखा है ये ठीक है, मैंने इस एंगल से एहतियातन लिखा है कि कभी अगर याद ना आए तो इस रट्टा सा लग जाए, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल इस तरफ जाने के बजाय पहले ये बता दें लॉजिकली क्लियर हो गया क्या क्लियर हुआ। अगर पैसे देने भी हैं और लेने भी हैं तो नेट ऑफ कर लेने से रिसीवेबल भी कम होगा और पेएबल भी कम होगा, देयरफॉर पेएबल कम होने का मतलब क्रेडिट डेबिट होगा और रिसीवेबल कम होने का मतलब डेटर क्रेडिट होगा और अमाउंट डेफिनेटली वो होगी जितने से लायबिलिटी और एसेट कम हो रहे। लेकिन अगर ये याद ना भी रहे तो कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा क्या होगी, एक तो फाइनल बोल रहे जरा, क्रेडिट डेबिट डेटर क्रेडिट और अमाउंट अगर हमें पता है तो कौन सी अमाउंट सेलेक्ट कर लिया करेंगे। लेकिन अगर सेम अमाउंट्स होंगी तो फिर उसी अमाउंट से जो भी सेम है एज इट इज एंट्री हो जाएगी। एक नजर रिवाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, कल एक नजर देख लें प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनली बता दें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ पाएगी। आज बेटा इस तरह कीजिएगा, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसको कंडी जरा एक दफा घर आके रिवाइज कर लेंगे प्लीज। अगर कुछ साहिबान के कुछ डेप्रिसिएशन रिलेटेड ईद से पहले लेक्चर्स रह गए हैं तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन लेक्चर्स को क्लियर किए बगैर आगे चले जाएं, तो इन दिनों में शायद संडे तक कोई ज्यादा मसरूफियत ना हो, 2-3 दिन अभी आपके पास है, प्लीज कोई पुराना अगर रह गया तो उसे फाइनल करना कंपलसरी है। मेरी सबको बात सही समझ आई है, अल्लाह हाफिज। मैं सिर्फ कह सकूंगा अमल आपने करना है। जजाकअल्लाह।